कल एक लैंडमार्क केस का फैसला है, सबकी नजरें एहतसाब अदालत पर हैं। शरीफ बरादरान जरदारी और साद रफीक सब मासूम हैं, तो 15 साल पाकिस्तान को लूटा किसने? जिस उम्र में शनाख्ती कार्ड नहीं बनता उनके बेटे अरबपति बन गए। ख्वाजा आसिफ के दुबई अकाउंट में चुपके से 16 लाख आ जाते हैं। मॉडल टाउन केस मंतकी अंजाम तक ना पहुंचा तो इंसाफ के निजाम को नाकामी होगी। वफाकी वजीर इत्तलाक फवाद चौधरी की गार्डन टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की सियासत अब खत्म हो चुकी है। बेहयाई से कहते हैं कि दोनों मिलकर तहरीक चलाएंगे। इनकी तहरीक का नाम थग्स ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन टीओपी की आखिरी फिल्म चल रही है। ये ऑपोजिशन नहीं, ग्रुप ऑफ ब्लैकमेलर्स है। अजब निजाम है, भाई के अकाउंट्स छोटा भाई, बाप के अकाउंट्स बेटा चेक करेगा। मरियम नवाज इसलिए खामोश है कि उन्होंने वालिद का केस जेल में पढ़ लिया। वफाकी वजीर इत्तलाक फवाद चौधरी। अदालत अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस का फैसला कल सुनाएगी। नून लीग ने एहतजाज के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। लाहौर के अराकीन कौमी असेंबली को कल सुबह 9 बजे अदालत पहुंचने की हदायत। फैसले के खिलाफ आने की सूरत में एमएनएस की एहतजाज की ड्यूटियां लग गई। मिड टर्म इलेक्शन का इम्कान मुस्तरद। नईमुल हक का कहना है कि जरदारी और नवाज शरीफ के मुकदमात पर अहम फैसले आने वाले हैं। दोनों ने मुल्क को बेदर्दी से लूटा। नवाज शरीफ और जरदारी की जायदादों को जब्त होना चाहिए। 10,000 डेवलपर्स 50 लाख घर बनाएंगे। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी की गुफ्तगु। नईमुल हक और फवाद चौधरी की एजाज चौधरी की रहाइश का आमद। वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत की। पाकिस्तान की आलमी सतह पर तन्हाई के खात्मे में आर्मी चीफ का अहम किरदार है। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए इनके दौरे का आलमी सतह पर एतराफ़ किया जा रहा है। अमरीका ईरान से ख़राब ताल्लुकात को बेहतर बनाने में इनकी खामोश डिप्लोमेसी का मौसर अमल दखल है। करतारपुर राहदारी से भारतीय क़यादत सिफारती महाज पर बैकफुट पर नजर आ रही है। चौधरी परवेज़ इलाही। ऐवान में जाने वाले आवाम के नहीं, खास तबके के नुमाइंदे हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ में शुगर मिल्स माफिया बैठा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तकरीब से खिताब। साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी भी एफबीआर के रडार पर। पाकिस्तान सुपर लीग में माली बेजाबतगियों के इल्जाम में तहकीकात शुरू। एफआईए मुद्दई जावेद बदर का बयान रिकॉर्ड कर लिया। एफआईए का नजम सेठी को तलब करने का फैसला। प्रोफेसर मियां जावेद अहमद की हथकड़ियों में मौत का मामला एसपी हेडक्वार्टर्स सैयद करार हुसैन ने इंक्वायरी रिपोर्ट पेश कर दी। डीआईजी ऑपरेशंस मोहम्मद वकास ने 3 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया। प्रोफेसर मियां जावेद नून लीग के एमएनए चौधरी आरिफ के कजन थे। मियां जावेद ने एमपीए के नशिस्त पर इलेक्शन भी लड़ा लेकिन हार गए। साबिक रुकन असेंबली जैन कादरी के भी करीबी दोस्त समझे जाते थे। मियां जावेद पर गैर कानूनी तौर पर यूनिवर्सिटीज का कैंपस कायम करने और इजाफी फीसें लेने का इल्जाम था। सरकारी लिस्ट नज़रअंदाज। सब्जी मंडी में आढ़तों के अपने रेट। कमेटी लिस्ट ने दोगुनी कीमत पर सब्जियों की फरोख्त। आलू 13 रुपये के बजाय 30 रुपये में फरोख्त। टमाटर 30 रुपये किलो, प्याज 25 रुपये, करेले 90 रुपये और लहसुन 176 रुपये किलो फरोख्त होने लगे। इतवार बाजारों में शहरियों की सब्जियों और फलों की नाकिस क्वालिटी की शिकायत। लंडा बाजार भी गरीबों की पहुंच से दूर। सर्दी की शदीद लहर आने पर लंडा बाजार में रश। जर्सी, जैकेट, कोट, गर्म चादर, जराबे और जूते खरीदने वालों का रश। शहरियों का लंडा बाजार के नफ भी मार्केट के बराबर होने का शिकवा। मसीह बिरादरी के त्यौहार क्रिसमस की तैयारियां अरूज पर। बल्दिया अजमा ने 5 क्रिसमस बाजार लगा दिए। 10 किलो आटे का थैला 250 रुपये में फरोख। युहानाबाद रेलवे स्टेशन, जल्लोमोड, बाहर कॉलोनी और चाइना स्कीम में क्रिसमस बाजार कायम। कमिश्नर डॉक्टर मुश्तबा पराचा और डिप्टी कमिश्नर सुहालिया सईद की क्रिसमस बाजार आमद। क्रिसमस का केक काटा।
शहरियों की छुट्टी के रोज गवर्नर हाउस की सैर, फैमिलीज की बड़ी तादाद में आमद, गवर्नर चौधरी सरवर, शहरियों में घुल मिल गए, लोगों ने सेल्फियां बनवाई, गपशप की। खातून बिजली चोर निकली, रायवंड की जिना कॉलोनी में सरेआम कुंडा लगाकर बिजली चोरी की वारदात, लाहौर न्यूज ने बिजली चोरी के फुटेज हासिल कर ली। खातून को कमाल महारत से कुंडे लगाकर बिजली चोरी करते हुए देखा जा सकता है। खींचा तानी जोर आजमाई, ये है नया खेल मास रेसलिंग। दूसरी कौमी नेशनल मास रेसलिंग चैंपियनशिप का रंगारंग इनेकाद, पाकिस्तान भर से मर्दों खातिन खिलाड़ियों ने जोर आजमाई का मुजाहिरा किया। कर्गिस्तान के सफीर और रजिस्ट्रार पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर खालिद ने खसूसी शिरकत की। और गाएगी दुनिया गीत मेरे, सुरों की मलिका मैडम नूरजहां, मलिका तरन्नुम नूरजहां की आज 18वीं बरसी, उनकी सुरीली आवाज आज भी जिंदा।